जो आप सुबह उठिएगा तो आप जब कोई चैनल देखिएगा तो सबसे पहले सुबह में 12 मर्डर, 13 मर्डर, 8 मर्डर, 9 मर्डर, 6 मर्डर, 7 मर्डर। अभी हम बीता से आ रहे हैं, बीता के सुदूर गांव में गए जी। ये कौन है? तो अविनाश ग्रुप। ये कौन है? तो परवीन और फरूख। बात समझ में नहीं आती है, पुलिस को हाथ कौन रोका हुआ है? या पुलिस नहीं करना चाहती है, या कोई पीछे से ताकत है जो अपराधियों को पूरा प्रोटेक्शन दिया है? पहले भी मुझको लगता है कि जिस तरह, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में गैंग बार कई जगह शुरू हो गया है। मैं मुजफ्फरपुर में भी इस बात को कहा कि गैंग वार क्यों, मैंने बहुत क्लियर उनसे मैंने बात की। बेगूसराय में भी गैंग वार की स्थिति। तो जब कोई गैंग वार शुरू होता है ना, तो समझिए कि उस शहर का अमन चैन छीना चला जाता है। गैंग वार रुकता कब है? जब कोई एक बचता है दोनों में से, तीनों में से, तब जाके गैंग वार रुकता है। तो अभी तो दो तीन जिंदा हैं तो गैंग वार तो रुकेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की भी, यहाँ भी जो स्थिति थी, पटना में जो स्थिति है, दो दिन पहले राजू यादव हमारा, फिर एक जगह और घटना घट गई, शराब के चलते मौत हो गई। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है कि हम ही एको हम द्वितीय नाश थी, मेरा ही अधिपत रहे और मेरा ही साम्राज्य रहे और फिर और किसी को जीने का राइट ही ना हो, ये जो कुछ लोगों के मन में जो आप देखते हैं कि आजकल बड़ा बड़ा संतरी मंत्री सबका फोटो लगा लगा करके लोग अपने सारे गलतियों का प्रोटेक्शन करते हैं, और हर लोगों को पता नहीं अपराधी माफियाओं को फोटो लगाने की पूरी इजाजत। क्राइम इतनी बढ़ गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हर जगह आप जा भी रहे हैं, हर जगह सुन भी रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि अब ये जो स्थिति है गैंग वार की, वो रुकने वाली हम जितना समझ रहे हैं। आप देखिएगा अभी सभी जगह की जो घटनाएं हैं, पटना शहर में जो आप सुबह उठिएगा तो आप जब कोई चैनल देखिएगा तो सबसे पहले सुबह में 12 मर्डर, 13 मर्डर, 8 मर्डर, 9 मर्डर, 6 मर्डर, 7 मर्डर। अभी हम बीता से आ रहे हैं, बीता के सुदूर गांव में गए जी। ये कौन है? तो अविनाश ग्रुप। ये कौन है? तो परवीन और फरो ग्रुप। हर जगह गैंग। ये कौन है? तो सिपाही ग्रुप। ये कौन है? तो फौजी ग्रुप। ये कौन है? तो दुलार ग्रुप। ये कौन है? तो ढिल्लो ग्रुप। ये जो ग्रुप है, जो स्थिति है, ग्रुप बनी हुई, और जिस तरीके से किसान को गोली लगी बेटा में, अब जबरदस्ती जाकर के किसी के जमीन में जाकर के अब आलू काटना शुरू कर देते हैं। ये जो पैसे की हवस चढ़ी है कि सारा साम्राज्य ही मेरा, पटना पर राज कौन करेगा, और फिर पैसे के बदौलत आप राजनीति भी करना चाहते हैं, तो मेरा तो सबसे पहले है दोनों दल से, तीनों दल से, खासतौर पर जदयू और राजद से जी, कि माफिया और अपराधियों को तो प्रोटेक्शन और शेल्टर देना आप बंद कर दीजिए। बंद कर दे, मतलब कि देते हैं क्या? देते हैं शेल्टर, देते हैं। अरे आप शेल्टर दे ना दे, आपका, आपके साथ सबका फोटो छपता है, आपके नाम पर है, आपके चीजों पर, आप कहीं ना कहीं, हमारा इनसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनके थ्रू तीसरे से कनेक्शन है, तीसरे से लेके चौथे का कनेक्शन है, डायरेक्ट एक नंबर का कनेक्शन या दो नंबर का कनेक्शन किसी से नहीं हो। हमको खोलवाइए नहीं, मैं बोलूंगा तो फिर भ्रष्ट कर जाएगा, फिर कहेगा कि पप्पू यादव ने फिर कोई सत्य बात बोल दी। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों खट्टा लगते हैं इन लोगों को? क्या पटना में दिन दहाड़े गोलियां चलती रहेंगी? सर मुझको तो लगता है कि नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। मैं जितना समझा हूँ, 100 लाश तो हम उठाए हैं ना इस 3-4 महीने में, तो हमको तो नहीं लगता है ये हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बिहार शरीफ, पटना, आरा, दिगबारा, छपरा का जो इलाका है, चार दर्जन से ज्यादा मुखिया की हत्या हुई, 3 दर्जन तो एक ही जात के लोग हैं। सबसे ज्यादा मौत इस सरकार बनने के बाद तो जादवे की मिलकर आ रहे हैं, परिवारों से भी मिलकर आ रहे हैं। सर सबसे ज्यादा मौत, सबसे ज्यादा मर्डर किस मुखिया का हुआ? यादव की। सबसे ज्यादा घटना जो 4 दर्जन मुखिया में है, आप कहीं भी आप उठा के देखिए, जितने मजबूत लोग हैं, ज्यादा ओबीसी ऐसे लोगों की मौत हो रही है। अब सरकार क्या अपराधियों को पकड़ पाएगी?
और यदि पकड़ पाएगी तो सरकार के अपराधियों को जेल में रख पाएगी? क्या मंटू शर्मा को जेल में 22 दिन से ज्यादा रखा? क्या उस शूटर को जो बाहर से बेल नहीं मिल गया जिसको पूर्व मेयर को जिसने मारा, और बगल में एक शूटर पटना में यहाँ मुखिया बना लिया अपनी माँ को, सबसे बड़का कम उम्र का एक शूटर यहाँ पटना में है, एक शूटर मुजफ्फरपुर में है, इस शूटर लोगों को मारा क्यों नहीं जाता है? क्या कारण है? लोग डर रहे हैं, बिहार के लोग डर रहे हैं। सर एक काम करिए ना, आप 12 बजे हमको हाथ में दीजिए, सुबह तक सबको नाम मर जाए, नाम बदल दीजिएगा, हालांकि क्या जिंदा रहेगा ये लोग? इन लोगों के पास औकात क्या है? सरकार से ज्यादा ताकत किसी की होती है क्या? हम आज सोच रहे हैं, हमारी इच्छा शक्ति मर गई। आप रहते तो क्राइम खत्म कर देते। नियत हमारी नियत ठीक क्यों नहीं है? आप रहते तो क्राइम खत्म कर देते भैया। डेली तो क्राइम के खिलाफ हम माफियाओं के खिलाफ बोल ही रहे ना। जिसने मारा है जहाँ उसका नाम लेके बोले ना, और जिसने मरवाया हम नाम लेके बोले। अभी मुजफ्फरपुर में हमने कहा सीधा सीधी, ये शकुनी ये कंस मामा कौन है? ये कौन है बड़का बहुरूपिया जो सबको मरवाता है? कोई ना कोई नेता ही है ना। फिर यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, जो मरवाया है सबको पता कि किसने मरवाया और किसको किस पर बर्दस्त है। आप इसके पहले भी इंजीनियर में कई घटना में आप रख लिए जेल में, चला गया जेल। सर आजकल मर्डर को अपना दबंगई समझता है और दबंगई से सोचता है कि हम बड़का नेता बन गए। तो हमारी सरकार से बिल्कुल आग्रह है कि भट्टी जी प्रभावित मत होइएगा। पता लगा पाएगी ये पुलिस या नहीं लगा पाएगी? पुलिस को सब कुछ का इंफॉर्मेशन है, पुलिस के आंख पर पट्टी, कान बहरा है, मुंह गूंगा हो चुका है, और पुलिस भी तो इन्वॉल्व है, बालू से सब पैसा लेती है। गली में परिवार सारे लोग हैं यार। सर परिवार तो जिंदगी मौत के साथ जूझ रहा है, और लोग क्या जूझेंगे? ईश्वर उनको परिवार के साथ ले आए, सारी विपत्ति परिवार पर आती है, और लोग तो एक सप्ताह के बाद सब भूल जाएगा। हम तो सारे मर्डर को देखे ना भाई, एक सप्ताह दो सप्ताह के बाद कौन याद रखता है?